हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग इंस्टाग्राम के न्यू क्यूज स्टिकर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कैसे यूज करते हैं वही देखेंगे। ये क्यूज स्टिकर के थ्रू आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये स्टिकर थोड़ा डिफरेंट है, इस स्टिकर को यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक आंसर के लिए। तो चलिए आते हैं इंस्टाग्राम में और यहाँ पे आके अपनी स्टोरी ओपन करते हैं ताकि हम लोग देख सके कि इस क्यूज स्टिकर को किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है और यहाँ पे अपने स्टोरी पे एक इमेज को ले लिया है। अब इस इमेज पे हम क्विज स्टिकर को अप्लाई करेंगे। तो आप भी इस तरह से अपने स्टोरी में जो भी इमेज आपको लेना है वो ले लीजिए, उसके बाद ये स्टिकर के आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्विज का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, इस पे क्लिक कीजिए। इस स्टिकर का अब आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ ये सर्कल पे क्लिक करना होगा। तो इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये कलर स्टिकर का चेंज होता रहेगा। जो भी कलर आपको रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर में क्वेश्चन डालेंगे, तो यहाँ पे मैं अपना एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे बॉक्सेस में अपना ऑप्शन डालेंगे। आपको ऑप्शन के लिए चार बॉक्स मिलेंगे। अभी ये दो शो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑप्शन डालने लगेंगे आपको नीचे और भी बॉक्सेस खुलने लगेंगे। तो ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन डालते रहेंगे तो जो भी आपका सही ऑप्शन है, जैसे ए बी सी यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो जो भी आपका सही ऑप्शन है उस पर आप टिक लगा दीजिए। तो जो भी सही ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे वो इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। तो जो भी आपका सही ऑप्शन है वो चूज कर लीजिए, फिर टिक लगा दीजिए। जब सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसे आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको रखना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद चलिए देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को हमारी ये इंस्टा स्टोरी किस तरह से दिख रही होगी। तो ये मैंने दूसरा मोबाइल ओपन किया है, तो ये देखिए, अगर आप कोई भी क्विज स्टोरी सेट कीजिएगा तो वो इस तरह से दिखेगी। अगर कोई सही आंसर सेलेक्ट करेगा तो ये देखिए, ये इस तरह से स्क्रीन पे होगा। अगर कोई रॉन्ग आंसर चूज करेगा तो फिर इस तरह से होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग क्विज स्टिकर का यूज करेंगे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।